डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 47। इस एक्सरसाइज के लिए कई सारे बच्चे काफ़ी सारा कमेंट दे रहे थे कि सर ये वाला बनाकर दीजिए, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों को प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जगह पॉइंट दिया हुआ है, इधर भी पॉइंट और इधर भी पॉइंट, और यहाँ पर डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर लिख के मैंने रखा है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द कोसेंट करेक्टली। ये कोसेंट जो आया हुआ है इसका डिवाइड का, तो इसमें सही रूप से कहाँ पे पॉइंट आएगा इसको रखने के लिए कह रहा है। तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें दोनों जगह पॉइंट है तो कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से हम लोगों को समझना है। कई सारे वीडियो आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो सारे कॉन्सेप्ट एक ही तरह काम करते हैं, तो हम लोग ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो घुमा फिरा के इधर तो दिया रहता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे पहले दिया हुआ है पॉइंट जो है, अगर पॉइंट रहेगा तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो पॉइंट को हम हटाने का क्या तरीका अपना सकते हैं, ये है, ये दिया हुआ है, ये डिवाइड में लिखें या इसको बट्टा में लिखें तो एक ही बात होता है। तो इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं, सपोज़ यहाँ से पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए तो क्या हुआ, पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर दिया हुआ है वन डिजिट, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के बाद एक जीरो, और यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर दिया हुआ है तो इसके साथ वन के साथ दो जीरो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 58 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब एक जीरो इस पर लग जाएगा, और यहाँ पे 23 दिया हुआ है और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो दो जीरो इस पर लग जाएगा। अब यहाँ पे इस जीरो को काट लेते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। अब कहीं भी पॉइंट नहीं है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम 10 ये रखे हुए हैं, यहाँ पे जो है पॉइंट ये है और यहाँ पे 2.3 ऐसे है, तो हम इसका पॉइंट सिर्फ हटा सकते हैं, इसी को पॉइंट को हटा देते हैं। इसका पॉइंट अगर हटा दिए तो मल्टीप्लाई यहाँ 10 हो गया, अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है सिर्फ एक बार इधर जाएगा, तो इसको इधर एक बार ले जाते हैं, यहाँ पर ये हो गया 8/23। या तो हम इसको पॉइंट वाला डिवाइड करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको अगर विदाउट पॉइंट वाला करेंगे तो इस पर एक जीरो रहेगा, 230, मतलब टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बिना पॉइंट वाला अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, तो इसी को करते हैं, दोनों करने से सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 230 डिवाइड 1058 इतना, इसको डिवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ते हैं, 105 मतलब ये छोटा पड़ रहा है, मतलब हमको कम्प्लीटली 4 डिजिट नंबर लेना होगा, तो 2 5 10 कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 बार में चेक कर लेते हैं, चेक करके बनाना पड़ेगा, जो ज़्यादा बड़ा टेबल रहता है उसको चेक करके ही बनाया जाता है। इसको 2 3 0 5 से किए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15 हो गया, 1 5 2 10 और 1 11 हो गया, यहाँ इस 5 बार में जो है ज़्यादा हो रहा है, 1100 चला जा रहा है, मतलब हमको क्या करना होगा, 4 बार में जाना होगा, तो यहाँ पे 4 0 हो गया, 4 3 12 1 बच गया, और 4 2 8 और 1 9 9 20 जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 4, तो 9 20, यहाँ पे 9 20 लिखते हैं, माइनस करते हैं, 8 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ 10 में से 9 1। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, या पॉइंट लगाएँ और यहाँ 0 लगा दिए, तो ये नंबर कितने बार में आएगा, तो 2 6 12 देख रहे हैं, ये 5 बार में इतना जा रहा है, 6 बार में हमको चेक करना पड़ेगा, तो 6 बार में चेक कर लेते हैं, 6 0 हो गया, 6 3 18 8 हो गया, 1 बच गया, और 6 2 12 और 1 13 देखिए ये आ गया 13 80, तो ये नंबर आ गया कितने बार में आया, 6 बार में आया, तो इसको इतना हम लिख देते हैं, ये कट गया पूरा कम्प्लीटली, मतलब 4.6, मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये आंसर हो जाएगा, ये कम्प्लीटली हो गया। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दिया 0.76 और डिवाइड है 0.4, यहाँ पे 19 दिया हुआ है तो कहाँ पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इसको लिखते हैं यहाँ पे 0.76/0.4, तो इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट अगर हटा दिए तो यहाँ कितना आ गया, 2 नंबर है, तो इसका मतलब है कि 1 पे 2 0, और यहाँ पे इसका पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 6 0, 10 मल्टीप्लाई हुआ तो एक जीरो लगा, और यहाँ पे 4 पे ये 2 0 हो जाएगा, 400,
ये कट गया, ये कट गया, मतलब आ गया 40। तो 40 इसको हम डिवाइड कर देते हैं 40 और 76 से, तो 42 या 80 होता है, तो ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि वन बार में ही जाएगा 40। ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और 3, ये 3 हो जाएगा, 7 4 में जाएगा तो 3 हो गया, 36 हो गया। यहाँ पे अब तो जाने वाला है नहीं, ये छोटा हो गया इससे, तो यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। और 4 कितने बार में जा रहा है, 4 9 36 होता है, तो 9 बार में ही जाएगा, 4 9 36 पे एक 0 आ जाएगा, ये कट गया कम्प्लीटली। तो 1.9 मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा 1.9, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में है, सी नंबर का क्वेश्चन ये है, 0.0516 डिवाइड 0.12 और 43 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ पॉइंट आएगा इसमें, सबसे पहले लिखते हैं इसको 0.0516 बाय 0.12। इसका मतलब है कि इसका पॉइंट हटाएंगे तो 12 मतलब 100 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे मतलब नीचे में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, एक पे 40 लगाना पड़ेगा, 3 4 इतना हो गया। तो इसको हम काट देते हैं 20 से, इसको हम काट दिए यहाँ और यहाँ काट दिए, तो नीचे में सिर्फ 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया, हो गया आपका जो नंबर है वो ये रह गया 517 16, और यहाँ पे 12 पे 20 हो जाएगा, इतना मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं ये 1200 516, तो जाने वाला है नहीं, तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट लेते हैं तो एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 12 का टेबल अगर हम लेते हैं 51 आना चाहिए, तो 12 3 36 हो गया, 12 4 48, तो 4 बार में जाने की संभावना है। तो हम क्या चेक करते हैं, हम ये 20 हटा देते हैं, हम 12 से चेक करते हैं, 12 4 जो होता है 36 48 48 हो रहा है, तो इस पर 20 आ जाएगा, तो इतना ही आएगा, तो 4 बार में गया, यहाँ पे 48 0 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 11 8 8 3 11 होता है, तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया 10 पॉइंट है, तो 10 आएगा ही, 10 ले सकते हैं। उसके बाद 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब 36 आ गया और ये कम्प्लीटली कट गया। इसका मतलब है कि 0.43 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 0.43 ये इसका आंसर हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है।